आज के वीडियो में बात करूंगा दोहरे आना, झटके आना यानी मिर्गी आना, जिसको हॉस्पिटल में सीजर बोलते हैं या एपिलेप्सी बोलते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं? शुरुआत में बहुत बारीकी लक्षण होते हैं, कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कब सीजर या झटके आके चले गए। और आजकल बच्चों में तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है दोहरे झटके आने की। बाकी ये हर एज की उम्र में ये दोहरे झटके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो दोहरे झटके आते हैं ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है, यानी हमारे मस्तिष्क जो ब्रेन है उसकी प्रॉब्लम है। अगर उसमें जो ये नॉर्मल फंक्शन होता है वो बिगड़ जाए तो दोहरे झटके आते हैं। नॉर्मल फंक्शन हमारा ब्रेन का क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, हमारे सारे ऑर्गन या अंग होते हैं उनको काम करवाता है। जैसे मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये हमारे ब्रेन काम करवाता है, एक मैसेज भेजता है इलेक्ट्रोकेमिकल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो मैसेज होता है ये न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, जैसे छोटे छोटे बड़े से तार होते हैं बिजली के, वैसे ही ये छोटे छोटे न्यूरॉन मिलके एक वायर की तरह बनते हैं और ये एक मैसेज ले जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज। ये मैसेज सही तरीके से जाता है तो हमारी बॉडी भी सही तरह से काम करती है, यानी एक नॉर्मल वे में काम करती है हमारी बॉडी। और कभी कभी ये हमारे ब्रेन के अंदर अनकंट्रोल जनरेट हो जाएं, स्पार्किंग जैसे होगी, जैसे बिजली स्पार्किंग करती है वैसे स्पार्किंग होगी इन न्यूरॉन में, उससे हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी, जब पूरा ब्रेन ऐसा डिसऑर्डर होगा। तो जब हमारे ब्रेन का कोई एक पार्ट ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है जिससे वो झटके मार रहा है, अनकंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, कोई एक ऑर्गन या कोई एक अंग में झटके आएंगे, यानी हो सकता है एक पैर में आ रहा हो, एक हाथ में आ रहा हो सकता है, एक अंगुली में आ रहा हो, चेहरा वाइब्रेट कर रहा हो या दांत पीस रहा हो, ऐसे सब कंडीशन देखने को मिलती हैं। इसके मुख्य लक्षण ये हैं कि शरीर इसमें अकड़ जाता है और फिर झटके मारना स्टार्ट कर देता है, यानी अगर पूरी बॉडी मारा तो हाथ पैर मुड़ जाएंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, चेहरा नीला पड़ जाएगा, होंठ नीले पड़ जाएंगे, मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो जाएंगे अगर पूरी बॉडी में आ रहा है तो, और बच्चा बेहोशी की हालत में होगा। कई बार ये कॉन्शियस भी होता है, यानी उसको होश होता है, कई बार वो बेहोश होता है। आँखों की जो तौर ऊपर चला जाएगा, यानी आँखों के तौर हैं वो ऊपर चले जाएंगे। मोस्टली ये झटका होता है 30 से 40 सेकंड का होता है। अगर ये 30 से 40 सेकंड वाले झटके बार बार लगातार आ रहे हैं 5 से 10 मिनट तक, तो हम इसको मिर्गी बोल देते हैं, और हॉस्पिटल में मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इसको एपिलेप्सी बोलते हैं। यदि जब मरीज को दौरे आ जाएं तो उसको सीधा एक फ्लैट सर पे ज़मीन पे लेटा दें और एक साइड करवट दिला दें, अगर उसके मुंह में पानी लार आ रहे हैं तो वो एक साइड बाहर निकल जाए, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि झटके आके अपने आप ही रुकेंगे, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। अगर ये लंबे समय तक चल रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना है, और बच्चों का तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है, जिनको सीजर आते हैं वो हमेशा निगरानी के में रहना चाहिए। दौरे के तुरंत बाद उसका दूसरा दौरा शुरू हो जाए तो डॉक्टर से संपर्क करें, यानी डॉक्टर के पास ज़रूर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मिर्गी बोलते हैं। अगर किसी को भी दौरा आ रहा है तो उस टाइम उसके घर वाले उसका वीडियो बना सकते हैं और हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं वो वीडियो, जिससे डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाए कि इसको किस टाइप के दौरे हैं या उसको क्या हो रहा है। दूसरा एक टेस्ट होता है EEG, इस टेस्ट में ब्रेन पे कुछ इलेक्ट्रोड्स, जैसे ECG निकालते हैं वैसे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, और ब्रेन के जो न्यूरॉन की जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो गतिविधियां हैं उनको रिकॉर्ड करके एक पेपर पे देख लिया जाता है कि इसको सीजर आ रहे हैं। इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ये जांच कैसे होती है और इस जांच में क्या क्या सावधानी रखनी होती है, लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। और ऐसा नहीं है कि जो ये सीजर आते हैं, जो झटके आते हैं, इनका इलाज नहीं है, इनका इलाज है, तो आप इनका इलाज करवाएंगे, लंबे समय तक मेडिसिन लेनी होती है और बार बार चेक करके डॉक्टर को दिखा के वो डॉक्टर ये डिसाइड कर पाता है कि उसको कितनी दवाई की ज़रूरत है, उस हिसाब से देते हैं। नहीं तो अगर आप बच्चों को तो अगर विशेष तौर पे नहीं दिखाओगे तो उनकी तो ये कंडीशन हो जाती है कि बच्चे तुरंत वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, यानी उनकी सांस ही नहीं आता और उनको मशीन पे डालना पड़ता है। आखिरकार हमारे मस्तिष्क का जो इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस बिगड़ता क्यों है? देखो ये अनुवांशिक भी होता है, अगर किसी के पेरेंट्स में आ रहे हैं तो बच्चे में होने का चांस भी ये बहुत ज़्यादा रहता है, या किसी के सिर में कोई चोट लग जाए या ब्रेन की यानी सिर की छोटी मोटी नस फट जाए और वहाँ खून का थक्का जम जाए, इस वजह से भी, या ब्रेन में ट्यूमर बन जाए या कोई गांठ बन जाए, इसलिए ऐसी एक कंडीशन हो तो ज़रूर जांच करवाएं आपके सीजर आ रहे हैं तो, क्योंकि ट्यूमर की वजह से भी ये सीजर आते हैं, या मस्तिष्क में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, बच्चों में ये बुखार सिर तक पहुंच जाता है तो उस वजह से भी दोहरे झटके आ जाते हैं। तो सीजर की मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ऐसे ही नॉलेजेबल मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।